सो गाइज, आफ्टर 32 किलोमीटर साइकिलिंग फ्रॉम गौरीकुंड टू गुप्तकाशी, आई रीच गुप्तकाशी राइट नाउ इन विद्याधाम आश्रम स्वामी गिरिजानंद सरस्वती जी का जो है, और जस्ट इन 3 आवर्स आई कवर 30 किलोमीटर, बट स्लोप वॉज देयर एंड आई जस्ट कंज्यूम 3 tea एंड आई विल स्टे हियर 1 or 2 hours आफ्टर द महाप्रसाद। 12 बजे यहाँ पे भोजन होता है, उसको मैं लूँगा, क्योंकि भगवान का भोग वगैरह लगता था, एक आध्यात्मिक रहता वो। और तो यहाँ रुकूँगा, मैं अभी भी पहुँचा हूँ, नीचे बाथरूम में स्नान करना था लेकिन जल बंद हो गया, तो मैंने कहा ठीक है फिर पैर वैर धो लिए थोड़े साबुन से, और आपको अंदर दर्शन करा दूँ मैं मंदिर के। वेद का पाठ वगैरह करें बच्चे, और ये भगवान हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जा सुप्रीत सिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमंत अद्भुत, ये शायद पारे के शिवलिंग है, इनका पूजन बहुत ही ऐश्वर्यदाता रहता है, यदि आपको सुख संपत्ति वगैरह चाहिए लक्ष्मी तो पारद शिवलिंग की का पूजन का विधान बताया गया है। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। और इधर ये नारद जी हैं, और ये शायद रामानंद जी हैं। देखो छोटे छोटे नर्मदेश्वर, ये वो है शालिग्राम है शायद, छोटे छोटे अखंड दीपक। भगवान शिव पार्वती जी का कितना प्यारा विग्रह है, गणेश जी हैं और कार्तिकेय जी हैं और विप्र पाठ कर रहे हैं, ये लड़के होंगे जो यहाँ पढ़ाई करते होंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है, जय हो माँ। और ये हैं अपने वो नंदीश्वर, हरिओम भगवान, ठीक है आप। मार्कंडे आश्रम में मुलाकात हुई थी आपसे पहले मेरी, मार्कंडे आश्रम में कहाँ पर? ओकारेश्वर गए कभी आप? हम गए थे लगभग, ना बहुत साल हो गए, हम गए 2021 में, मैं भी चलो, जो भी आप ब्लॉग बना रहे हैं। मैं साइकिल यात्रा से उदयपुर राजस्थान से केदारनाथ की है ना, हाँ चलो आपकी यात्रा मंगल में रहे। बिल्कुल धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप है ना धर्म का प्रचार करते रहे, बिल्कुल यही हमारा उद्देश्य है। धनतेरस की शुभकामना आपको, जय हो। तो ये है चोटियाँ, ठीक है। तो बड़ी अच्छी जगह महाराज श्री का आश्रम है विद्याधाम, आप जब भी आए तो यहाँ रुक सकते हैं, और भक्तों के लिए संतों के लिए सबके लिए अच्छी व्यवस्था है। महाराज जी श्री विद्या के अद्भुत उपासक रहे हैं, और वैदिक विधि विधान से कर्मकांड अभी भी यहाँ पे होते हैं, काफ़ी बटुक रहते हैं ब्राह्मण पुत्र वगैरह यहाँ पे, और अच्छा है सेवा प्रकल्प, सबके लिए भोजन वगैरह रुकने की व्यवस्था है। यू आर मोस्ट वेलकम।